एक ओर जहां 30 सितंबर से जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हैं, तो वहीं पंचायतों के विकास कार्यों पर इसका खासा प्रभाव देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया है, जिसके जवाब में जिला परिषद कैडर अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा पंचायत स्तर पर बने कार्यालयों की चाबियां खंड विकास अधिकारी को सौंपी गई है, जिस पर हिमाचल सरकार में मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कर्मचारियों की इस हड़ताल को अनुचित करार देते हुए कहा कि आपदा के समय में इस तरह की हड़ताल उचित नहीं है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों की हितेशी है और कर्मचारियों की हर संभव सहायता कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के साथ बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से भी बात की जाएगी। साथ ही उन्होंने अक्टूबर माह में बीड बिलिंग में होने वाली क्रॉस कंट्री प्री वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप पर भी अपनी बात रखी। आपदा के समय में हड़ताल करना कोई उचित कदम नहीं है। बातचीत से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं और प्रदेश सरकार कर्मचारियों की तैसी है। ओपीएस की बहाली किसने की? कांग्रेस सरकार ने की। 1,36,000 परिवार को लाभ इससे मिलेगा, तो किसने किया? आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया। और हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकार के साथ हैं, ये गलतफहमी है लोगों को। और ये जिला परिषद कैडर है, तो हम भी चाहते हैं, मेरा भी प्रयत्न रहेगा कि बातचीत से इनकी समस्या का समाधान निकले। मैं भी आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, इसका समाधान निकालेंगे, ये अपनी स्ट्राइक वापस लें और बातचीत से कोई रास्ता निकालें। मैं तो इनसे यही आह्वान करूंगा। अरे हम तो भाई अतिशय ही हैं कर्मचारियों के, कोई ऐसा नहीं है। भाजपा ने तो कह नहीं है, इन्होंने इनकी 5 साल सरकार रही, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं उनको रेगुलर कर दिया? उस वक्त धरने पर बैठे थे। तो भाजपा की करनी और करनी में कथनी में बड़ा फर्क है। ये जब सत्ता में आते हैं तो कुछ नहीं करते, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो सत्ता का रोना रोते हैं। इसलिए इसमें कोई दम नहीं है इनकी बातों में। बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व में नंबर 1 साइट है। इस वर्ष पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जा रहा है और 32 देशों के जो पायलट हैं, पैराग्लाइडर हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा हमारे देश के, हिंदुस्तान के कई जो पायलट हैं, पैराग्लाइडर हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार का जो वर्ल्ड कप आयोजन है, बड़े भव्य ढंग से हम मनाने जा रहे हैं। प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश को पर्यटन के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से जिला कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया है और इस कड़ी में कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है उसका विस्तारीकरण का काम चला हुआ है। जब यहाँ पर बड़े जहाज उतरेंगे, सैलानी यहाँ आएंगे, निश्चित तौर पर कांगड़ा का विकास होगा, कांगड़ा में पर्यटन कारोबार बढ़ेगा। इसके साथ ही बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए देश में नंबर 1 साइट है। और वहाँ पर पहले भी हमने प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया, उसके समापन में आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी ने शिरकत की और उन्होंने बीड़ में थाना खोलने की घोषणा की थी। वहाँ थाना बना, थाना खुल गया और इसकी बिल्डिंग के लिए भी शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग कप का आयोजन होगा उसके समापन पे 2 नवंबर को वहाँ थाने की बिल्डिंग का शिलान्यास करवाएंगे। और भी बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में पुल हैं, भवन हैं, उनका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी कर कमलों से होगा। साथ में और भी जो मांगें मैंने रखी हैं उन्हें भी मनवाया जाएगा। और ये जो पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप का आयोजन है, पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है
5 वर्षों तक उन्होंने उस घाटी को दरकिनार कर दिया। कोई भी खेल प्रतियोगिता वहाँ आयोजित नहीं हुई और इसका नतीजा बैजनाथ चुनाव क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ा है। जो ही हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जनता की अपार कृपा से कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कांगड़ा घाटी को पर्यटन की राजधानी घोषित करके कांगड़ा के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। यहाँ पर्यटन कारोबार बढ़ेगा।